नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का में तोड़फोड़ करने के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने इंडिया न्यूज से वीडियो मांगे हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। दरअसल कल गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री राकेश यादव के समर्थकों ने इंडिया न्यूज की टीम पर हमला किया था। राकेश की शह पर उनके समर्थकों ने इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का को रोक दिया, तोड़फोड़ की। साथ ही शो के एंकर राशिद हाशमी और अन्य कर्मचारियों से मारपीट भी की। हैरानी इस बात की है कि जिस राकेश यादव को इंडिया न्यूज ने अपने शो में बतौर गेस्ट बुलाया था, वो चुपचाप वहां से खिसक लिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तोड़फोड़ मचाते रहे। शो के लिए लगाए गए पोस्टर्स फाड़ दिए गए और इंडिया न्यूज के पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। गाजियाबाद में इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी का के शुरू होने से पहले ही एसपी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। शो में सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। खुद एसपी की तरफ से भी यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश यादव मौजूद थे। उन्हीं के शह पर एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। बवाल होता रहा, हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस मुस्कुराती रही। तकरीबन आधे घंटे बाद जब पुलिस पहुंची तो मामले को टालने में लगी रही। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एसपी की गुंडागर्दी कब तक बर्दाश्त करें। कुछ दिनों पहले यूपी सरकार ने इंडिया न्यूज को सूबे में बैन कर दिया था और अब इंडिया न्यूज की टीम पर हमला बोला गया। अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री राकेश यादव हंगामा खड़ा होते ही भाग निकले। जब इंडिया न्यूज ने उनसे एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर बात की तो उन्होंने सारा ठीकरा दूसरे दलों पर फोड़ दिया। जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ तो मैंने देखा कि वो जो फोटो लगे थे राहुल जी का और उनका मोदी जी का, उसको देख के बीएसपी के लोग वो शराब पिए थे और आप पार्टी वाले वो उस पर जो है टूटे। तो मैंने कहा, मैंने मेरे साथ जो लोग थे मेरी सिक्योरिटी, मैंने कहा आप यहाँ से निकलिए, यहाँ यह कार्यक्रम होने वाला नहीं, और मैं तुरंत चलाया वहाँ से। अखिलेश के मंत्री भले ही अपनी गुंडागर्दी का ठीकरा दूसरे दलों पर फोड़ रहे हों, लेकिन हमारे शो के होस्ट राशिद हाशमी ने बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी ने इंडिया न्यूज के शो में पहले हंगामा किया। किस बुरी तरह से इन स्टैंडीज को तोड़ा गया है। इतने नहीं, समाजवादी पार्टी के जितने हुड़दंगी थे, जितने गुंडे थे, कई कई गमछा भी लटका करके आए हुए थे, उन्होंने यहां पर आकर के काफी ज्यादा हंगामा किया, लोगों के साथ मारपीट की, मुझे धक्का मुक्की दी और इन्हीं स्टैंडीज में से, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, एक रॉड निकल करके मेरे पेट में लगा। समाजवादी पार्टी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी को सही ठहराने पर तुली है। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि शो में समाजवादी पार्टी के नेता की तस्वीर नहीं लगी थी, इसीलिए हंगामा किया गया, जो कि जायज है। किस्सा कुर्सी की चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें दो दलों के लोगों का उन्होंने चित्र लगा करके वो करते हैं। उन्होंने मोदी जी का, राहुल जी का चित्र लगा रखा था, ये तरीका उनका ठीक नहीं है। या तो जिन दलों को आप बुला रहे हैं उनके नेताओं का वह चित्र होना चाहिए, और नहीं तो फिर जनता फिर अपने तरीके से फैसला करती है, ये तरीका उनका ठीक नहीं है। कांग्रेस से नाराज चल रहे उत्तराखंड के पौड़ी से सांसद सतपाल महाराज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज दोपहर 12:30 बजे सतपाल महाराज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। उत्तराखंड में वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज कांग्रेस में अनदेखी से नाराज चल रहे थे। कहा जा रहा है कि उनके करीबियों को पार्टी टिकट देना नहीं चाह रही थी। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजस्थान के जालौर से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। आज कांग्रेस कुछ और उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इस बाबत कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। माना जा रहा है कि मनीष तिवारी को लुधियाना से ही लड़ाया जाएगा, वहीं अमृतसर से अरुण जेटली के खिलाफ ओपी सैनी को खड़ा किया जा सकता है। इससे पहले कल कांग्रेस ने 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें साफ हो गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमिलनाडु की उनकी पारंपरिक सीट शिवगंगा से उनके बेटे कार्ति को उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर के उधमपुर से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर तमिलनाडु से अपनी पारंपरिक सीट मैलाडुथुरई से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली के बाकी दो सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया गया है। वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा और साउथ दिल्ली से रमेश कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है।
वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह विदिशा सीट पर सुषमा स्वराज से मुकाबला करेंगे, तो वहीं गांधीनगर में लालकृष्ण आडवाणी के किरीट पटेल दोनों खास करने वाले हैं। कांग्रेस ने यूपी से संभल से आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन को टिकट दिया है, तो वहीं पटना साहिब से बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा से कुणाल सिंह भिड़ेंगे। वहीं जेडीयू से कांग्रेस में आए पुन्नमासी राम को बिहार के गोपालगंज से प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने चार लिस्ट जारी कर 364 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तक वाराणसी में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार तय नहीं हो पाया है। दिग्विजय सिंह के बारे में चर्चा है, तो वहीं आनंद शर्मा भी तैयार है, लेकिन पार्टी फैसला ही नहीं कर पाई है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज सुरेश कलमाणी पुणे से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। पुणे में सुरेश कलमाणी ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे फिर फैसला लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 अप्रैल को रायबरेली लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। रायबरेली सोनिया की पारंपरिक सीट है और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार देने की खबरों का शिवसेना ने खंडन किया है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि ऐसी खबरों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। नरेंद्र मोदी को वडोदरा से भी उम्मीदवार बनाए जाने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की। पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर लोगों ने जश्न मनाया। इन्हें उम्मीद है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के दो दो सीटों से चुनाव लड़ने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। उमर ने कहा कि जब देश में मोदी की लहर है तो फिर दो सीटों से लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आसम खान ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगे के लिए मोदी को कभी माफ नहीं किया जा सकता। हथियारों के हाथ में देश दिया जाएगा, कैसी दरिया दिली, हमारा विरोध है इस पर। अभिनेत्री हेमा मालिनी और मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि कृष्णा की नगरी से टिकट मिलना सौभाग्य की बात है। हेमा ने कहा कि वो यहां से जीतकर नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना चाहती हैं। प्रिय और मेरा सौभाग्य है कि मुझे कृष्ण की नगरी में चुनाव में खड़ा होने का अवसर मिला है। बिल्कुल, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही देखना चाहते हैं, इसीलिए मेरा भी यहां पर जीतना बहुत जरूरी है। बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। पार्टी ने बेल्लारी से श्रीयामुलु को टिकट दिया है, जबकि नीलगिरी से एस गुरुमूर्ति और पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से गायक बप्पी लहरी को मैदान में उतारा गया है। अब विवाद पर पार्टी को झुकाने के बाद आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी भी झुक गए हैं और गांधीनगर से चुनाव लड़ने की बात मान ली है। बीजेपी ने आडवाणी को गांधीनगर से टिकट दिया था, लेकिन वो भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे। हालांकि मान मनोबल के बाद वो मान गए। बयान जारी करके आडवाणी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने मुझे बताया कि गुजरात यूनिट चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, मध्य प्रदेश यूनिट चाहती है कि मैं भोपाल से चुनाव लड़ूं। सहयोगियों ने सीट चुनने का फैसला मुझ पर छोड़ दिया है। सहयोगियों की बातों ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं हमेशा से गांधीनगर से जुड़ा रहा हूं, इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ूंगा। आडवाणी की नाराजगी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ना तो आडवाणी की अब रूठने की उम्र है और ना ही ऐसा उनका व्यक्तित्व है। हमेशा सुनी सुनाई बातें आ रही बात, वो ऐसा नहीं है वो सल्क करे या रूठ जाए। आडवाणी जी की ना वो उम्र है और ना ही वो व्यक्तित्व। टिकट बंटवारे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह भी नाराज हो गए। वो राजस्थान के बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। खबर है कि यहां से वसुंधरा राजे कर्नल सोनाराम को टिकट दिलवाना चाहती है। बाड़मेर सीट को लेकर वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह आमने सामने आ गए हैं। जसवंत ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर बाड़मेर से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद भी नाराज हो गए हैं। चिन्मयानंद जौनपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ खुलकर नाराजगी भी जताई है। यूपी के अमरोहा से टिकट फाइनल नहीं होने पर पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद चेतन चौहान नाराज हो गए हैं। चेतन अमरोहा से दो बार सांसद रह चुके हैं और वो टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अभी नाम फाइनल नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा ये भ्रमित हूँ मैं, क्योंकि बहुत समय बीता जा रहा है, समय नहीं बचा है चुनाव में और टिकट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। मैंने पार्टी से निवेदन यही किया था कि इस बार मुझे वहां से चुनाव लड़ाया जाए और ये जो विलंब हो रहा है वो पार्टी के हित में ठीक नहीं है।
दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर चेतन चौहान के समर्थकों ने हंगामा भी किया और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ नारेबाजी की। चेतन समर्थकों का मानना है कि बाबा रामदेव की दखलंदाजी के चलते ही अमरोहा में नाम फाइनल नहीं हो रहा है। बीजेपी से नाराज चल रहे राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ महंत रामविलास वेदांती लखनऊ में राजनाथ सिंह को चुनौती देने की तैयारी में है। वेदांती बीजेपी से सांसद भी रह चुके हैं। वेदांती ने बताया कि उन्हें कई पार्टियों से चुनाव लड़ने का ऑफर है। बीजेपी में टिकट को लेकर महाभारत हमले का नाम नहीं ले रही है। अब गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के इस फैसले से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ की और राजनाथ सिंह का पुतला फूंका। गोंडा सीट से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। ये लोग 24 घंटे में कैंडिडेट बदलकर किसी स्थानीय नेता को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैलाश जोशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फोन पर किसी शख्स से बात कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए के बदले चुनाव लड़वाने की बात करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी में सीटें बिकती हैं। ये वीडियो किसी घर में शूट किया हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कैलाश जोशी किसी से फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो 1 करोड़ के बदले चुनाव लड़ाने का भरोसा दिला रहे हैं। बीजेपी तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल कर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चेन्नई में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया। इस गठबंधन में पीएमके, डीएमडीके, एमडीएमके, केएमडीके और आईजेके जैसी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। गठबंधन फॉर्मूले के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं डीएमडीके 14, पीएमके 8, एमडीएमके 7 सीटों पर चुनाव में उतरेगी, तो वहीं केएमडीके और आईजेके को 1-1 सीटें मिलेगी। महाराष्ट्र के वर्धा में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादे खोखले हैं और राहुल गांधी वोट बटोरने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ना तो किसानों का ख्याल रखती है और ना ही जवानों का। उन्होंने कहा कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं, तो वहीं हमारे जवानों के सिर काट लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती। हिमाचल के टंडा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात की। यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को विचारों का युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के सशक्तिकरण के बारे में सोचती है, जबकि बीजेपी अमीरों के बारे में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 25 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। वो कोलकाता में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, साथ ही नॉर्थ बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया है। ऐसी अटकलें थी कि सहवाग कांग्रेस के टिकट पर वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। सहवाग ने इसका खंडन करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राजस्थान के अजमेर सीट से कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट सचिन पायलट ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। गुरुवार को अजमेर के मसौदा इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली के कालका जी मंदिर के महंत अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां से बीजेपी कैंडिडेट और भोजपुरी अभिनेता और गायक मनोज तिवारी से मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया। पहले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने बागपत में बीजेपी कैंडिडेट सत्यपाल सिंह के लिए वोट मांगे। सनी देओल ने सत्यपाल सिंह के समर्थन में रोड शो भी किया। सनी देओल की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली में सीपीएम ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर सीपीएम महासचिव प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, वृंदा करात समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद दिखे। वहीं गुरुवार को लखनऊ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिलाया। योग गुरु बाबा रामदेव आज दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता अनशन पर बैठ गई है। प्रतिभा सिसोदिया नाम की ये महिला योगेश दहिया को सहारनपुर से टिकट दिए जाने का विरोध कर रही है। महिला ने दहिया पर 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उधर टिकट बंटवारे के विरोध में कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर यूपी के हमीरपुर से आए कार्यकर्ताओं ने अनशन किया। ये कार्यकर्ता हमीरपुर से अतुल कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। मथुरा से अनुज गर्ग को टिकट दिए जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की अर्थी निकालकर विरोध जताया और कैंडिडेट बदलने की मांग की।
बीएसपी मुखिया मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की सभी 80 सीटों से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सर्जन का नारा बुलंद करते हुए मायावती ने 15 सीटों पर पिछड़े वर्ग के जबकि 19 मुस्लिम 21 ब्राह्मण और 8 क्षेत्रीय कैंडिडेट उतारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने मोदी और मुलायम पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पूर्वांचल से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच गुपचुप सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाकर बीजेपी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती है। गौतम बुद्ध नगर में 500 से ज्यादा बीएसपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कार्यकर्ताओं का विरोध सुरेंद्र नागर का टिकट काटे जाने को लेकर है। गौतम बुद्ध नगर से सांसद सुरेंद्र नागर को इस बार पार्टी ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। उधर कानपुर में कांग्रेस बीजेपी और पीस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। बीएसपी ने कानपुर से सलीम अहमद को टिकट दिया है। उन्हीं की मौजूदगी में ये लोग बीएसपी में शामिल हुए। मुंबई के शक्तिमिल कंपाउंड में फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर के साथ गैंगरेप के मामले में दोषियों को आज सजा सुनाई जानी है। कल दोनों मामले में सेशंस कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिन 4 लोगों को दोषी पाया गया उनके नाम विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और सिराज रहमान हैं। इन पर गैंगरेप के 2 मामले हैं। पहला पिछले साल 22 अगस्त को एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप करने का है और दूसरा मामला 18 साल के एक टेलीफोन ऑपरेटर से 31 जून को हुए गैंगरेप से जुड़ा। यौन शोषण के आरोपी आसाराम नई मुसीबत में फंस गए हैं। आसाराम एंड कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है। ये केस आरोपियों को बचाने के लिए 13 करोड़ की रिश्वत के मामले में दर्ज किया गया है। नारायण साईं पर केस को कमजोर करने के लिए पुलिस के कुछ अधिकारियों को 13 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगा है, लेकिन गुजरात पुलिस ने पूरी साजिश का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 8 करोड़ रुपए उनके गुर्गों से नकद बरामद किए थे। प्रवर्तन निदेशालय इस रकम के स्रोत के बारे में जानकारी जुटा रहा है। आसाराम के आश्रम देशों के अलावा विदेशों में भी हैं, लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय फेमा कानून के तहत भी मामले की जांच को आगे बढ़ा सकता है। संजय दत्त की पैरोल अवधि आज खत्म हो रही है। आज किसी भी वक्त संजय दत्त सरेंडर कर सकते हैं। संजय ने अपनी पत्नी मान्यता की तबीयत खराब होने का हवाला देकर पैरोल की मांग की। रिलायंस ने बयान जारी कर केजरीवाल के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें गुजरात सरकार से उसका फायदा लेने की बात कही गई थी। रिलायंस ने कहा कि शायद केजरीवाल को संविधान की समझ नहीं है क्योंकि गैस और पेट्रोलियम केंद्र सरकार के अधीन आता है न कि राज्य सरकार के। ये बात एकदम बेबुनियाद, निराधार, राजनीति से प्रेरित और आपको भरमाने के लिए है। संविधान के अनुसार जो विषय है उनमें उन मंत्री का दखल नहीं है, वो चाहे भी तो हमें फायदा नहीं पहुंचा सकते। वहीं बाजार में आज भी तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 83 अंकों की बढ़त के साथ 21,823 पर, जबकि निफ्टी 32 अंक चढ़कर 6,515 पर खुला। शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे मजबूत रहा। यूपी के बिजनौर में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। फरीदाबाद में एक मकान के बेसमेंट की छत गिरने से 4 मजदूर दब गए जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। इस बिल्डिंग में अवैध तरीके से बेसमेंट बनाया जा रहा था। हादसे में एक मजदूर जख्मी भी हुआ। यूपी के कानपुर में शॉर्ट सर्किट से एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये फैक्ट्री यहाँ के रूमा इंडस्ट्रियल एरिया में थी और इसमें तिरपाल बनाया जाता था। वहीं एमपी के शहडोल में गैस कुओं से मीथेन गैस के रिसाव से लालपुर गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ये गैस कुआ रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट कंपनी का है जहां से कंपनी मीथेन गैस निकालती है। यूपी के रायबरेली में एक 2 सीटर जहाज को खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि पायलट की सूझबूझ से कोई हादसा नहीं हुआ। ये एयरक्राफ्ट रांची से ट्रांस भारत एविएशन क्लब का था। ये एयरक्राफ्ट अलीगढ़ जा रहा था रीफ्यूलिंग के लिए। एयरक्राफ्ट रायबरेली के एयरपोर्ट पर उतरा था। एयरक्राफ्ट ने एयरपोर्ट से दोबारा जैसे ही उड़ान भरी तो पायलट को इंजन में गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। आनंद फानंद में पायलट ने एयरक्राफ्ट को खेत में उतार दिया। मुंबई से सटे ठाणे के टिटवाला इलाके में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहां एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की हालांकि मौत हो गई जबकि 12 लोग जख्मी हुए। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। रफ्तार तेज होती तो बड़ा हादसा हो जाता। इस हादसे में लोकल ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए जिसके चलते मुंबई की तरफ आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें 2 से 3 घंटे की देरी से चली।
दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एमसीटी जोन की डिप्टी चेयरमैन और एमसीटी जोन के अधिकारी आमने सामने आ गए। डिप्टी चेयरमैन ने जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर यौन उत्पीड़न, मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है, जबकि अधिकारी का आरोप है कि डिप्टी चेयरमैन और वार्ड पार्षद मनमानी पर उतर आई। दोनों पक्षों के बीच इस मामले को लेकर गहमा गहमी हो चुकी है। पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अवैध निर्माण को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मुंदेरका इलाके में एक घर से मणिपुर की युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की लाश पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। समय पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह बताने की स्थिति में है। फिलहाल उसने जांच शुरू कर दी है। गुड़गांव के शीतला कॉलोनी में 11 साल के मासूम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घर के पास ही खाली पड़े खंडहर में मासूम की लाश मिली। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात विजयनगर इलाके की है। रिटायर्ड दारोगा प्रभु दयाल शर्मा समाजवादी पार्टी के महानगर सचिव भी थे। पुलिस पुरानी रंजिश से जोड़कर मामले की जांच कर रही है। यूपी के आगरा में प्रेम प्रसंग के चलते दो छात्रों पर हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों छात्रों को चाकू से कूदने वाले आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के बांदा में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 4.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस पैसे का इस्तेमाल चुनावों में तो नहीं होना था। रकम जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के काशीपुर में बदमाशों के साथ मिली भगत के आरोप में दो पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस वालों पर बदमाशों के साथ मिलकर दो भाइयों को ठगने का आरोप है। इंदौर में पुलिस ने सड़क पर बदमाशों का जुलूस निकाला। इन बदमाशों ने होली के दिन सिरपुर तालाब के पास लोगों पर हमला किया था। हमले में एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने गुरुवार रात बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 25 में स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के छात्र छात्राओं ने हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रशासन पर पास कराने के एवज में पैसे मांगने का आरोप लगाया। लापता मलेशियाई विमान MH370 के यात्रियों के लिए लगातार दुआ की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में लोगों ने कैंडल जलाकर इस विमान के यात्रियों की सलामती के लिए दुआ मांगी।